बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे शहीद स्मारक, शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, पुष्प अर्पित कर डिप्टी सीएम ने किया शहीदों को नमन। और ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं लखनऊ से, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शहीद स्मारक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित किए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद पुष्प अर्पित कर डिप्टी सीएम ने शहीदों को किया नमन। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं शहीद स्मारक की, जहां पर आज शहीदों को नमन किया गया। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन भारत के इतिहास के लिए भी, और शायद यही वजह है कर दिया था कि गांधी जी का वाक्य तो है कि एक गाल पर झापड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन जिनकी भी मूर्ति को हम लोग ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में हिंसक आंदोलन हो, इसकी प्रेरणा जब राजनीतिक दलों के माध्यम से मिलेगी तो देश में अराजकता का वातावरण तैयार होने में देर नहीं लगेगी। और आज विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है और जो विकास की प्रक्रिया है वो पूरे भारत में द्रुतगामी गति से चल रही है, और ऐसे समय उनके पास वो मुद्दा विहीन है विपक्ष। और किसान आंदोलन में, जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। देश की आजादी